हेलो एवरीवन, आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताइए जरा। हम लोग घूमने के लिए अभी मुक्ति खोला जा रहा है, छछड़ा पास है जी। आज 26 जनवरी, वी आर प्लानिंग फॉर ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप फ्रॉम सिलीगुड़ी। वी आर गोइंग टू मुक्ति खोला जा रहे हैं। सो इट इज जस्ट एडजेसेंट टू द फुटहिल ऑफ द मिरिक। इट्स अ नाइस प्लेस एंड टोटली इट इज अ unknown place for the people. So we are going to explore the place, have fun. So we four colleagues will be there. So we have two Activa. Yeah. Yeah, हम लोग चार लोग हैं। ये देखिए हमारे साथ सौरभ सर है और ये है, इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, सब तो जानते ही हैं। ये और ये है और मैं हूँ, जिसका बॉल है इसका बैट है। सर जाते जाते कुछ गाने हो जाए। गाने? हाँ, एक गाना तो बनता है सर। आज तो 26 जनवरी है सर। हाँ सुनाइए सर। तो उस हिसाब से वही गाना चाहिए ना। भारत हम क्या बात से प्यारा, क्या बात है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। ओहो क्या बात है। सदियों से भारत भूमि दुनिया एक शान है। वाह वाह, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। वाह वाह, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जा रहे हैं सैर पे। और कितनी देर का सफर है सर हमारा, जल्दी बताइए। इट विल टेक 45 मिनट्स टू रीच देयर। 45 मिनट्स का सफर है और हम आपको आसपास की वादियां भी दिखाएंगे, क्योंकि खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पे। जब यहाँ से हम लोग जाएंगे और आपको वहाँ पहुँचेंगे और पूरा आज हम लोग इस पे ब्लॉग करने वाले हैं। तो चलिए आपको सैर कराते हैं। कहाँ से? मुक्ति खोला। लेट्स गो। अटॉनिक बूम। तो हम लोग ये रास्ता लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे पार्टी का काफी माहौल है, काफी लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। तो हम लोग कितनी देर में पहुंच जाएंगे सर? अभी होप इट विल टेक 20 मिनट्स। सो 20 मिनट्स को लेट्स सी, चलते हैं फिर। तो अभी जल्दी तो हम लोग अपने सफर के ऊपर पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं और ये हमारे संजय सर हमारे साथी आए हैं। और ये पीछे आप देखिए पूरा स्लो, तो अभी ये zigzag मामला वाला चलता रहेगा। और ये देखिए आपको दिखाई, ये देखिए यहाँ पे लोग और ये हमारे साथी आ चुके हैं जो पीछे रह गए थे, जिनका हम वेट कर रहे थे। तो अब हम चलेंगे और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो इस वक्त हम जा रहे थे अपने सफर की तरफ और यहाँ पे एक हमें टी स्टॉल नजर आ गई है, तो यहाँ पे चाय पियेंगे। और ये जगह काफी खूबसूरत सी लग रही है, आगे की तरफ बैठने का हट्स बनी हुई है और काफी अच्छा व्यू मिल सकता है यहाँ से। यहाँ पे हमारे साथी लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से कुछ ऐसा नजारा मिलेगा आपको। आई सर आगे चलते, दिखा वहां तक चलते। काफी अच्छा बना रखा है ना सर। ये पिकनिक वही है सामने, इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन ले जाएगा। जो तो ये देखिए सर, जगह काफी अच्छी बना रखी है उन्होंने बैठने की। वेरी नाइस, फैमिली के लिए पिकनिक स्पॉट भी है ना। सही है। ये संजय सर हमें सब बोल के लाती है एक जगह और हम लोग आके पहुंचते हैं दूसरे जगह। जहाँ भी देखिए आप, यहाँ नजर जाएगी।
संजय सर यहाँ सर कितना दूर है? और थोड़ा करीबन एक घंटा तो लगेगा। अच्छा तो मैं यहाँ से पैदल नीचे उतरता हूँ। तो हम लोग तो काफी मजे कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आज छुट्टी का दिन तो नहीं है, हम लोग फ्लैग होस्ट करके अभी आए हैं, लेकिन सब हम लोग छुट्टी का माहौल है, एंजॉय कर रहे हैं। और अब देखिए चारों तरफ यहाँ का पहाड़ है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही, कान के पास से एकदम ठंडी हवा गुजर रही। कैसा लग रहा है सर शहर की? तो आप दौड़ भाग भरी जिंदगी से बाहर निकले हैं। संजय सर क्या टेक है आपका इस पे? ये दूधिया क्या अपर दूधिया बोलते हैं? हाँ। मुक्ति खोला जी भैया, अपर दूधिया, अपर दूधिया में ये मुक्ति खोला है। हाँ। तो ये पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट बोला जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पिकनिक चल रही है चारों तरफ, वो देखिए। तो हम लोग जाएंगे अभी मुक्ति व्यू पॉइंट, और ये देखिए आप, मैं आपको पूरा 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। हाँ सर देखिए खाना वाना चल रहा है यहाँ पे। कैसा खाना है सर? बहुत बढ़िया। क्या सर, दो टा चिकन दीजिएगा? सर सुन दीजिए, सुन दीजिए, तो रखिए सर खाना खाने को, मजान कर लीजिए।